जय माता दी। माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ दुर्गा सप्तशती का शुद्ध पाठ हिंदी में। दुर्गा सप्तशती में आप सुनेंगे कवच, अर्गला, कीलक एवं 13 अध्यायों के पाठ का आप श्रवण करेंगे। बहुत ही भक्ति और श्रद्धा पूर्वक इन अध्यायों के पाठों को सुने, जिससे कि आप पुण्य के भागी बने। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति हो। अथ देव्या कवचम ओम अस श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः चामुंडा देवता अंगस्युक्त मात्रो बीजम दिग्बंध देवता सतत्वम श्री जगदम्बा प्रीति अर्थे सप्तशती पठंगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय मार्कंडे उवाच ओम यदगुह्यं परम लोके सर्व रक्षा करम नृणाम यनिष्कस्य चिदाख्यातम तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मो उवाच अस्तु गुहितं विप्र सर्वोभूत उपकारकं देव्या अस्तु कवचं पुण्यं तच्छ्रु महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। उक्त एतानि नामानि ब्रह्मनेऽस महात्मना अग्निना देहमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषममे दुर्गमे चैव भर्यार्थः शरणं गता। न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयं न हि यस्तु भक्त्या स्मृत नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेश रक्षसि तान् संशयः। प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्र गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना महेश्वरी विशारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पदहस्ता हरिप्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृकवाहना ब्राह्मणी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। इतीता माता सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्न शोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्या क्रोध समाकुला शंखम चक्रम गदाम शक्तिम हलम च मुशलायुधम खेटकम तोमरम च परशुम पाशमेव च कुंतायुधम त्रिशूलम च सारंगमायुधोदतम। दैत्यानां देनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्ता इदा नित्यं देवाना च हिताय मे। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोरे पराक्रमे महाबले महाउत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुणां भयवर्धिनी प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री आगन्यम अग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराही नैऋत्याम खड़गधारणी प्रतीच्याम वारुणी रक्षेद वाव्याम मृगवाहिनी उदीच्याम पातु कौमारी ईशान्याम शूलधारणी उर्धो ब्रह्माणी मे रक्षत इस्तदाद वैष्णवी तथा। एवं दस दिशो रक्षे चामुंडा शववाहना जया मे जागृतः पातु विजयः पातु पृष्ठतः। अजितं वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्यतनी रक्षेन्दुमा मूर्धनी व्यवस्थिता। मालाधरी ललाटे च प्रमो रक्षेद यश्विनी
त्रिनेत्रा भूमोमध्ये यम घंटा च नासिके संखिने चक्षुषोमध्ये श्रोत्योदरवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधा च उतोष्टे च चर्चिका अधरे च अमृतकला जीवायां च सरस्वती दंता रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चंद्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिंबकं रक्षेत वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवाया भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वही कंठे नलिकां नलकूहरी स्कंधयो खड्गिनी रक्षेत बाहु मे वज्रधारणी हस्तयो दंडिनी रक्षेत अंबिका च अंगुलेषु च रक्षान शूलेश्वरी रक्षेत कुछो रक्षेत कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन महादेवी मन शोक विनाशनी हृदय ललिता देवी उद्रे शूलधारणी नाभौ च कामिनी रक्षेत गुह्यम गुह्येश्वरी तथा उतना कामिका मेडगुदे महिष्वाहिनी कट्याम भगवत रक्षे जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी गुल्फियो नारसिंगी च पाद पृष्ठे तु तेजसी पाद अंगलेषु शिर रक्षेत पादल स्थल वासिनी नखान दृष्टान कराली च केशांश ऊर्ध्व केशनी रोम कूपेश कौवारी त्वचम वागदीश्वरी तथा रक्त मज्जा व सामान्य सान स्थिति में दांसी पार्वती अंतराणि काले तिश पित्तम च मुक्तेश्वरी पद्मावती पदम कोशे कभे चूड़ा मणि स्थितिया ज्वालामुखी नख ज्वाल वेदा सर्व संदेशु शुक्रम ब्रह्माणी मे रक्षे छायां क्षेत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धि रक्षेन मे धर्मधारणी प्राणापानो तथा व्यान मुदान च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सतत्वं रजस्तम शिव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यश कीर्ति च लक्ष्मी च धनम विद्याम च चक्रणी गोत्रम निद्राणी मे रक्षेन पशुन मे रक्ष चंडिके पुत्राण रक्षेन महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी पंथानाम सुपंथा रक्षेन मार्ग क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी वीर्जया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यति स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत् सर्व रक्ष मे देवी जयन्ति पापनाशिनी पदम एकं न गच्छेतु यदि इच्छु आत्मना कवचेना व्रतो नित्यं यत्र यत्र गच्छति तत् तथार्थ लाभस्य विजय सर्व कामिकः यम यम चिंतित काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरम अतुलम प्राप्तस्ते भूतले पुमान निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेषु पराजिता तरलोके तु भवेत् पूज्य कवचेना व्रत पुमान निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेषु पराजिता तरलोके तु भवेत् पूज्य कवचेना व्रत पुमान इदं तु देव्या कवचम देवानाम दुर्लभम यह पठेत प्रयतो नित्यं त्रिसंध्यं श्रद्धाविन्तः देवी कला भवेतस्य तरलोकस्य पराजितः जीवेद वर्षशतं संग्राम व्यत विवर्जितः नश्यन्ति व्याधे सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं च कृतिं चापि यद्विषयम् अभिचारिणी सर्वाणि मंत्रयेत्राणि भूतले भूचरा खेचा च जलजा स्वरूप उपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिनश्य महाबला ग्रहभूत पिशाचस यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस बेताला कुष्मांडा भैरवादेय नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदय संस्थिते
मनो नदी भरवेद रागस तेज वृद्धि करम परम यशसा वर्धते सोपि कीर्ति मंडित भूतले जपेत सप्त सतिम चन्नीम कृत्वा तु कवचम पूरा यावत भूमंडलम दत्ते सैलवन काननम तावतिष्ठति मेदिन्यां संतति पुत्र पौत्र की देहांते परम स्थानम यत सूर्यरेपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषम नित्यम महामाया प्रसादित लभते परम रूपम शिवेन स मोदते ओम इति देव्या कवचम संपूर्णम। अथ अर्गला स्तोत्रम। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्र से विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीते सप्तसती पठंगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडा जय भूत तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालराति नमोस्तुते। मधुकैटभ विविधात वर्धे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि महिषासुर निर्नासी भक्तानां सुखदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि रक्त बीज वदे देवी चन्न मुन्न विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि शुंभस्य निशुंभस्य धूमाक्षस्य च मर्दिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि वनिताधि युगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि अचिंत्य रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दूरता पहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि स्तुवद्यव्य भक्ति पूर्व त्वाम चंडिके व्याधिनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि चंडिके संततम ये त्वाम अर्चिंतिता भक्तितः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि विधेय दुष्टताम नाशम विधेय बल मुचके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमाश्रयम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि सुरा शिरो रत्न निगृष्ट चरणे अम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि प्रचंड दैत्य दर्पग्ने चंडिके प्राणताय मे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वर्क संसुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि कृष्णेन संसुते देवी शाश्वत भक्त्या सदाम्बिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि हिमांचल सुतानाथ संसुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि इंद्राणी पति सद्भाव पूजते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि देवी प्रचंड दौर दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दशो जहि पत्नी मनोरमाम देहि मनोव्रता अनुसारिणीम तारिणीम दूर संसार सागर से क्लोदवाम इदम स्तोत्रम पठित्वा तु महास्तोत्रम पठे नर स तु सप्तसती संख्या वरमाप्नोक्ति संपदाम। ओम इति देव्या अर्गला स्तोत्रम संपूर्णम। अथ कीलकम। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे
सप्तसति पठंगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे उवाच। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमित्ताय नमः सुमार्द धारिणी। सर्ववेत द्विजान यंत्राणां मंत्रणानां अभिकीलकम् सो अपि क्षेमं वाप्नोति संततम् जापि तत्परः। सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकल्याने अपि एतेन स्तुवन्तां देवी स्तोत्र मंत्रेण सिद्ध्यति। नो मन्तो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्यति सर्वचाटनादिकम्। समग्राणि अपि सिद्ध्यन्ति लोक शंका विमाहर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेविदं शुभम्। स्तोत्रं वै चंडिका आयस्तु तच्च गुप्तं चकारस समाप्तिं च पुण्यसितां इथावनि यन्त्राणां सो अपि क्षेमं वाप्नोति सर्वमेवं च न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहित ददाति प्रतिगृह्णाति नानते स प्रसीदति। इति रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्किलां विधायनां नित्यं जपति संस्फुटं सह सिद्ध सह गण सोपि गंधर्वो जायते नरः। न च व्यापि तटस्य भयं क्वापि जायते नापमृन्तु वंश याति मृतो मोक्षं वाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारम्भे कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वे सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधे। सौभाग्य आदि च यत् किंचित् दृश्यते ललनाजने तत् सर्व तत्प्रसादेन तेन जाप्य इदं शुभम्। सने अस्तु जपो मानो अस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्ति रुचके भवत्यो समग्राण्यपि ततः प्रारम्भमेव चित्तत। ऐश्वर्य यत् प्रसादिन सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रुहानि परो मोक्ष स्तुयते सान किं जने। ओम इति देव्या कीलक स्तोत्रम संपूर्णम। जय माता दी। माता दुर्गा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमो अध्यायः। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त दंतिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यानम भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भुसुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से सुशोभित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मन्वंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मन्वंतर में सूरत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने और पुत्रों की भांति पालन करते थे। तो भी उस समय काल विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे
तो भी राजा सूरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब ये युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजानों को हथिया लिया। राजा सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर वेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य थे, उन उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरण करते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृतगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्या शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरथ यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। वैश्य बोला, हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं इस समय धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुरुष आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतनी स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जने के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है यह क्या है? इस बात को भी मैं जानकर नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता है इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत
और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है, यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझमें और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते हैं और दूसरे रात में ही नहीं देखते हैं, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते हैं। पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्यों की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहबस बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है, तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो,
यद्यपि वे नित्य हैं और अजन्मा हैं, तथापि सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावर्ण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैडव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्र चित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हें भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा ने स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा और तुम्ही वृष्ट कारक हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणों में अकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम्ही स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंद रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है, वह तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व रूप ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय में संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही रीम और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, संघ और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंड और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी तुम तो अपने इस उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटव हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान नेत्र, मुख, नासिका, बाह, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा
ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी जनार्दन उस एकावर्ण के जल में शेष नाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5,000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अतः अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। मधु, इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटवध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। माता दुर्गा की जय हो। भगवान विष्णु की जय हो। ब्रह्मा जी की जय हो। अथ श्री दुर्गा सप्तशती द्वितीय अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग। ओम। मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायु तत्व यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। ध्यान। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पदम, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र को धारण करती हैं। ऋषि उवाच। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। अब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु भगवान विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवन, महिषासुर सूर्य, इंद्र अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार को छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मुनियों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए।
इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पे बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं, मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गए। महान तेज का वह पुंज जाजव्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हो गईं। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भवें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए दो तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और एरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक काक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य के देवी के समस्त रूप कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, कड़े, उज्ज्वल, अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दीं। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करके कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दीं। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधुर से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंह नाद कहीं समा ना सका। आकाश उनके सामने
लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिसे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा है, हे देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभ ग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर सहसा उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आहा यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी दसों हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थीं। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रकार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1,00,000 रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा जिसकी रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नाम का महादैत्य 5,00,000 रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60,00,000 रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1,00,000,000 रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5,00,000,000 रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी और घोड़ों की सेना को साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर भिंदीपाल शक्ति मूशल खड़ग परशु और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती थीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावा नल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निःश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु भिंदीपाल खड़ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से गदा से शक्ति की वर्षा और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार डाला। बहुतेरे दैत्यों को
पांच से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रण आंगन में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवी पिंडक के दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं, कितनों की गर्दन कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघे कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी एक बांह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और रिष्टि के लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ हाथी घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी घोड़े असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगीं। जगदम्बा ने आसुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर को मानो उनके प्राण चुने ले रहा था। वहां देवी के गणों ने भी उन दैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावणी मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। माता रानी की जय हो। भोले बाबा की जय हो। अथ श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 3 सेना सहित महिषासुर का वध। ध्यानम्। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं दैत्यों की सेना इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिचुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादलों मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में
बड़े वेग से प्रहार किया। राजन देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया, पर वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी उस शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए, साथ ही महादैत्य चिचुर की भी धज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस पराक्रमी चिचुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़ आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल भूमि पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े ही भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशाही हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्यत का कचुमर निकाल डाला। भिंदीपाल से वासकल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्र अस्य उग्रमीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार देख महिषासुर ने भैंसों का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को नुथनों से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरू का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंहों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंह नाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशाही कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर पराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य ने अपनी ओर आते देख चंडिका को उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंक कर उस महान असुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर अपने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ने जेहूं उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया।
तथा अपनी सूंड से देवी को विशाल सिंह की ओर खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब वह महादैत्य पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगत माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करके लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मत से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यहाँ तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही ऋषि कहते हैं। यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गईं। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैरों से दबे होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत जल्दी ही तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्व राज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य महिषासुरवध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। माता रानी की जय हो। भोले बाबा की जय हो। अथ श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 4। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ध्यानम। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम करने के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो गया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें, जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतर करण वालों के पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी,
आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता है। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते हैं। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिनके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्त करती हैं, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित है, जितेंद्रिय है, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष के अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी तीनों वेद और भगवती छह ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही करता हैं। खेती एवं आजीविका के रूप से प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत को घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। अपनी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख वाले जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, तब उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देशों में सम्मानित हैं, उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता है। वे अपने ही हृष्ट पृष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्म अनुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय को हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता है। हे देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चीर काल तक नरक में रहने के लिए
भले ही पाप करते रहते हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों नहीं करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती हैं? इसमें एक रहस्य है। वे शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्र भाग को घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता है, जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती है, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार अपने शत्रुओं पर भी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? तथा शत्रुओं को भय देने वाले एवं अत्यंत मनोहर रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माते, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि से जो अस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के लिए दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया, फिर सब ने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध करके निवेदन किया, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तुओं की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी नहीं बाकी है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम सब आपका स्मरण करें, तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर कर दिया करें। तथा प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करें, उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही आपकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब ये तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो, मैं उसका तुम्हें यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णी मन्वंत कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में
शक्र आदि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। माता रानी की जय हो। भोले बाबा की जय हो। अथ श्री दुर्गा सप्तशती। अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ दुर्गा सप्तशती का पंचम अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुनि के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। विनियोग। ओम। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद हैं, भीमा शक्ति हैं, भ्रामरी बीज हैं, सूर्य तत्व हैं और साम वेद स्वरूप हैं। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। अथ ध्यानम। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान, जिनकी मनोहर कांति है और जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे दोनों ही सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजित देवी का स्मरण किया और सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी को नमस्कार है। महादेव की शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है। नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योतिष्णामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी का सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋति, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव जी की पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्ग पारा, दुर्गम संकटों से पार उतारने वाली सारा, सबकी सारभूता, सर्वकारणी ख्याति कृष्णा और ध्रुमा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं। उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में
क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्त रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से परे इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वह जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती जी देवी गंगा के जल में स्नान करने के लिए वहां आईं। उन सुंदर भावों वाली भगवती देवी ने देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ पर किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उन्होंने शरीर कोष से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इससे वह समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य
चन्न मुन वहां आए और उन्होंने परम रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। हे असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, वह पारिजात का वृक्ष, वह उच्च स्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब यहाँ आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किलंजनी नामक माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है, जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाले वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है, तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैतेश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है, तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए दो वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं, फिर भी यह स्त्री में रत्न रूप कल्याणमय देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते हैं। ऋषि कहते हैं, चंद्र मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सब देवताओं तक एक स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता है। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया। क्षीर सागर का मंथन करते समय जो अश्व रत्न उच्छे श्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सभी मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अगर तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे यहाँ या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरे वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याणमय भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, हे दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है।
किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोक में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तो तुम अकेले स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चले चलो, ऐसा करने से तुम्हारी गौरव की रक्षा होगी। अन्यथा जब ये केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं, मैंने पहले ही बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह सब दैत्य राज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे तो उचित जान पड़े करें। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सावर्णी मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक पांचवा अध्याय पूर्ण हुआ। माता रानी की जय हो। माता रानी की जय हो। भोले बाबा की जय हो। अथ श्री दुर्गा सप्तशती। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ दुर्गा सप्तशती का छठा अध्याय। षष्ठो अध्याय धूम्रलोचन वध। ध्यानम। मैं सर्वगेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परम उत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसपास बैठी हैं। नागों के फणों से सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहा है। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवताओं का यह कथन सुनकर दूतों को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल, यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगी। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूँ कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने होम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना ने और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों को, शक्तियों को, फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ
असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों के पंजों को मार से उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से और कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों को ही महादैत्यों को पटक कर ओठ की डाढ़ों से घायल करके मार दिया। उस सिंह ने अपने नखों से कितने के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिया, कितनी की भुजाएं और मस्तक काट डाले और अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उसका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुम्भ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा समस्त आसुरी सेना प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में वर्णित मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। माता रानी की जय हो। माता रानी की जय हो। भोले बाबा की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती। अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ दुर्गा सप्तशती का सप्तम अध्याय, चंड और मुंड का वध। ध्यानम्। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में वेदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुम्भ की आज्ञा पाकर वे चंद्र मुंड आदि दैत्य चतुरंगनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौंहें टेढ़ी हो गईं और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पाश लिए हुए थीं। वे विचित्र खड्गवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थीं। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थीं। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थीं। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई थीं और कुछ लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थीं। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगीं। वे पार्श्व रक्षक को अंकुशधारी महावतों योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में
डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप में चबा जाती थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी के गला दबा देती थी, किसी को पैरों के नीचे कुचल डालती थी और किसी को छाती से ढकेल कर गिरा कर मार डालती थी। वे असुरों के छोटे हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती थी और रोष में भर कर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए और खड़गवांग से पीटे गए। कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। सब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाली दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थीं। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले ली, हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंडवी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथों में ले चंडिका के पास आकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब इस युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसे समस्त संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक सातवां अध्याय पूरा हुआ। माता रानी की जय हो, भोले बाबा की जय हो। श्री गणेशाय नमः, श्री दुर्गाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती। अब मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ दुर्गा सप्तशती का आठवां अध्याय, रक्त बीज का वध। ध्यानम्। मैं अणि नाम आदि सिद्धिमय किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्य के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदा युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दौहृदय, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हों, मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ
युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार और सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवियों की शक्ति, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण के श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथी में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, सारंग धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां आए। अनुपम यज्ञ वराह कर तथा रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंही शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उनके गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उनके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप वैसा ही उनका भी रूप। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी ने शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की आवाज निकलने वाली थी। उन अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुम्भ निशुम्भ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुम्भ एवं निशुम्भ दोनों से कहिए, साथ ही इसके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों, उनको भी यह संदेश दीजिए। हे दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाय योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूंकि उन देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और ऋषि आदि अभीष्ट अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड़वांग से उनका कचूमड़ निकालती हुई
रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उस ओर अपने कमंडलों का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपने थुथुन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली। कितने ही दैत्य उनके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंगी भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए मात्र गणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मात्र गणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्त बीज हाथों में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब एंद्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा। उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरती उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीरवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उनका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा एंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर पर जो रक्त बहा उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत समाप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़क से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक प्रकार घायल होने पर भी उनके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्र पात से गिरने वाले रक्त बिंदु और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करते हुए तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त छीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका का गदा से प्रहार किया किंतु उस समय उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा क्योंकि वह ज्यों ही गिरा त्यों चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गईं। उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था वज्र
बाण, खड़ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शास्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्यत सा होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कण्डेय पुराण में सावर्णी मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता की। माता रानी की जय हो। भोले बाबा की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती नवम अध्याय। निशुंभ का वध। माँ दुर्गा के रूप का ध्यान करना। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उनका वर्ण बंदुक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करती हैं। अर्धचंद्र उनका आभूषण है तथा वह तीन नेत्रों से सुशोभित हैं। राजा ऋषि से कहते हैं, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके पास आसुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे, पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट को चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुँचे। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला। शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी छुरप्र नामक वाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली। उनकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल को उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी माता के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गया। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते हुए देखकर देवी ने बाण समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशाही हो जाने पर शुंभ को बड़ा ही क्रोध हुआ और माता अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढक कर वह अद्भुत शोभा पाने लगी। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर
सिंह ने भी अपनी दहाड़ से जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और दसों दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश से उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिव दूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु निशुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोले, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकाश ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। हे राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ जिसने अन्य सब देवताओं को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उनके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई। उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी माँ काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्य राज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से माँ चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका माँ का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही माँ चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथों में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका माता ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती भेद डाली। शूल से विदर्ण हो जाने पर उसकी छाती में एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठा कर हंस पड़ी और खड़क से उसको उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। वह बड़ा ही भयंकर दृश्य था। उधर माँ काली तथा शिव दूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्र पूत से जल से निश्चित होकर के कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माँ महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशाही हो गए। बाणाही के थुथुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र भी कितने के ही प्राणों को ले लिए। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही माँ काली माँ शिव दूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक नवा अध्याय पूर्ण हुआ। माता रानी की जय हो, देवी दुर्गा की जय हो, माँ काली की जय हो। मेरा ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा को सुन सकें। धन्यवाद। माता रानी की जय हो, भोले बाबा की जय हो। श्री गणेशाय नमः, श्री दुर्गाय नमः।
अथ श्री दुर्गा सप्तशती दशम अध्याय शुंभ वध। ध्यानम, देवी के रूप का ध्यान करना। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये ही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों से धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल को धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देखकर सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी माननीय बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी ने कहा, ओ दुष्ट, मैं अकेले ही हूँ इस संसार में, मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब मैं अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में से सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने जो भी दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा ही खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट दिया। धनुष के कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ले ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्तियों को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका माँ ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुद्गर हाथ में ले लिया। उसे आते देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्गर भी काट दिया। तिस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा, तब देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब माँ चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका का आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका यह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ, फिर अंबिका को शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः माँ चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा।
तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती को छेदकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धारा से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह समुद्रों द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगीं। उस समय शुंभ के मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं। पवित्र वायु बहने लगे। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई थी। अग्निशाला बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में मन सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। माता रानी की जय हो, देवी दुर्गा की जय हो, माँ काली की जय हो। श्री गणेशाय नमः, श्री दुर्गाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती एकादशो अध्यायः। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यानम्। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और तीन नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थीं। देवता बोले शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। हे देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो क्योंकि पृथ्वी में तुम्हारी ही स्थिति है। हे देवी तुम पराक्रमर अलंघनीय है। तुम्हें जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। हे देवी तुमने इस समस्त जग को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे में ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली हो तब इसी रूप से तुम्हारी स्तुति हो। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी मूर्ति तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूप से क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है।
तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति रूपा सनातनी देवी गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। हे महेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूपधारी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और शारंग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक चक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नृसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और बृतासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति स्वरूपा हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुखमाली मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि तथा महा अविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा सरस्वती भूति वाभ्रवी तामसी नियता तथा ईशा रूपी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। स्वर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा तुम दीर्घे सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज से नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी मनोकामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए द्वारा मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूपों को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से इस समग्र इस धर्मद्रोही महादैत्य का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्य वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गढ़े में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस जहाँ भयंकर विष वाले सर्प जहाँ शत्रु जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ वह समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो।
हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसे संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वह संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। मैंने इस समय आसुरों का वध करते हुए जिस तरह से तुमने शीघ्र हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को दूर करने वाली हे देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनी की पूजनीय परमेश्वरी सब लोगों को वरदान दो। तब देवी कहती हैं देवताओं से, हे देवताओं, मैं वह वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। तब देवी बोली, देवताओं, वैवस्त मन्वंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैप्रचित्र नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उस भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोजिना रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मुझे शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाख ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में दुर्गम नामक महादैत्य का मैं वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीमा रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के नाम से प्रख्यात होगा। अब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में उपद्रव मचाएंगे। तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग मुझे ब्राह्मणी के नाम से चारों ओर स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। माँ दुर्गा की जय हो, माँ काली की जय हो, माँ अन्नपूर्णा की जय हो। श्री गणेशाय नमः, श्री दुर्गाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती द्वादशो अध्यायः, देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। ध्यानम्। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश
और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली देवताओं से, हे देवताओं, जो एकाग्र चित्र होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैट वध का नाश, महिषासुर का वध तथा शुम्भ निशुम्भ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी एकाग्र चित्र होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई भी पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी। उनको कभी भी प्रेमी जनों के विछोह पर कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र चित्र होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है अथवा सुना जाता है, उस स्थान को मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन्य धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य में मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथा तथा युद्ध में किए गए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है और मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुः स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांतिकारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके महापाठ मात्र के सुनने से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे समर्पित को प्राप्त कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने से आदि से एक वर्ष जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे उस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य को प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषय चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता है। देवताओं, तुमने और महर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं, वह सभी कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सुने मार्ग में अथवा दावा नल से गिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर अथवा शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर,
कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान से ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरों और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर हो जाते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रमी भगवती माता सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गईं। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संहार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे इस प्रकार विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि को प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त महाब्रह्मांडों में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समान वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होती हैं और उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। धूप पुष्प और गंध आदि से पूजा करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति को प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावणी मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। माँ दुर्गा की जय हो, माँ काली की जय हो, माँ अंबिका की जय हो। श्री गणेशाय नमः, श्री दुर्गाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती त्रयोदशो अध्यायः। सूरत और वैश्य को देवी का वरदान, माँ दुर्गा का ध्यान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति को धारण करने वाली हैं, जिनकी चार भुजाएं हैं और तीन नेत्र हैं और जो अपने हाथों में पाश अंकुश वर एवं अभय की मुद्रा को धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी को मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं और भगवान विष्णु की महामाया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेक ही जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर ही मनुष्य को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष को प्रदान करती हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, क्रोष्टकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुन करके राजा सूरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग्य महर्षियों को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। हे महामुनि, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए। वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया,
फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ कर दिया। वे दोनों अपने शक्ति के रक्त से प्रोक्षित बलि को देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली माँ चंडी देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। माँ देवी बोली, हे राजन, अपना कुल को आनंद करने वाली, हे वैश्य, तुम दोनों जिन वस्तुओं की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें यह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्व का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था, अतः वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाले ज्ञान को मांगा। तब देवी ने कहा, हे राजन, थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर तुम अपने राज्य को प्राप्त कर लोगे, अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा, फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश के रूप में जन्म लेकर इस पृथ्वी पर चावर्णी के मनु नाम से विख्यात होगे। हे वैश्यवर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति को सुनकर देवी अंबिका का तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान देने वाला 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। माँ दुर्गा की जय हो, माँ काली की जय हो, माँ भगवती अंबिका देवी की जय हो। जो कोई भी इन 13 अध्यायों को भक्ति पूर्वक इन पाठों को कथाओं को श्रवण करेगा 9 दिन में माता रानी उस पर कृपा अवश्य करेंगी, उसकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगी। कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जब आप लोग चैनल को लाइक करेंगे तो इससे और भी अन्य लोग इस कथा को श्रवण करेंगे। 9 दिनों में माता दुर्गा की जो यह सप्त सती की कथा है इसे एक बार तो अवश्य सुनना चाहिए। जो व्रत को धारण करते हैं उन्हें भी सुनना चाहिए और जो व्रत को धारण नहीं करते हैं वह भी सुने, तब भी सुनने मात्र से भी उन पर माता रानी प्रसन्न होती हैं। और यदि एक दिन में 2 बार इस कथा को श्रवण करें तो इससे और भी लाभ होते हैं। मेरा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि बोलने में पढ़ने में आपको कुछ लगता है कि अशुद्धि है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं बड़े भक्ति भाव से माँ का ध्यान करके इस कथा को पढ़ रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग इस कथा को श्रवण करें। मेरा यह वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया तो कृपया लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा को सुन सकें। माता रानी की जय हो, भोले बाबा की जय हो। मेरा यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो कृपया लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।